वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से हुए वृद्धा व्यक्ति मायूस। नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत मंचलाडी पंचायत के वृद्ध पेंशन धारियों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिलने से काफी परेशान एवं काफी मायूस हो गए हैं। आपको बता दें कि ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गुजारा सिर्फ वृद्धा पेंशन से ही होता है, परंतु वृद्धा पेंशन 5 महीने से नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसे व्यक्तियों को पूछने वाला कोई नहीं है। आपको बताते चले कि इनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। सरकार ऐसे व्यक्तियों को जल्द से जल्द मदद करे। प्रखंड एवं जिले में भी ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जिन लोगों का गुजारा वृद्धा पेंशन से ही होता है। क्या आपको पेंशन कब से नहीं मिला? 5 महीना से नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिलने से आपको क्या असुविधा हो रहा है? की खाएगा, हमको पोते नहीं है, हम विधवा है, हमको हम लोग हमको कोई खिलाता नहीं है, बता नहीं है, विधवा है, बेटे घर जाता है तो बेटे घर में भी नहीं रखता है। तो अभी आपका गुजारा कैसे हो रहा है? मांग जात के इधर उधर खाता है, घूम के जाता है, यहाँ वहाँ पर इसके मांगता है, इसको घर में उसको घर में और खाता है। कभी गांव का आदमी खिलाता है, कभी बेटी घर जाता है तो मुँह में रोने देता है, मुँह में लड़ाई झगड़ा होता है। आपको पेंशन कब से नहीं मिला? 5 महीने से नहीं मिला। 5 महीने से नहीं मिला है? नहीं मिला। आपके घर में कौन कौन है? आपके घर में बेटा भी तो है। हाँ। अच्छा, 5 महीने से पेंशन नहीं मिलने से आपका गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कैसे रहा? सरफ साबुन, शुरू में बीमारी कैसे गुजारा है? खन बुढ़ा लोग खन की स्वांग। तो आपके घर में क्या क्या है अभी? है बेटा बेटी। अच्छा, वो सब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हजरी काम करते हैं। मजदूर हैं? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? रानी बिसरा। आपको पेंशन कब से नहीं मिला? भादौर तक है, 6 महीना। 6 महीने से नहीं मिला। हाँ, आपका हाँ। गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे होगा हम तो? हाँ, कोई नहीं हम तो। आपके घर में कौन कौन है? हाँ? घर में कौन कौन है? आपका नाम क्या? अच्छा, आपको पेंशन कब से नहीं मिला? 5 महीने। आपका गुजारा कैसे हो रहा? ऐसा ही, इसी घर का मांग के खा रहा है। अच्छा, तो पेंशन नहीं मिलने से आपके आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? खाएगा कौन जी? अच्छा, कौन खिलाएगा? तो अभी आपकी सरकार से मांग क्या है? मांग है हम लोग खाएगा कि हम लोग को पेंशन दो समय समय में। महीना महीना हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएगा कौन चीज? अभी देगा कि नहीं? कब देगा? हम लोग अभी मांग मांग के खा रहा है। वृद्ध पेंशन धारी हर रोज आते हैं क्या? हाँ, हर रोज तो आता है, जैसे कि एक महीना में 5 से 10 बार आता ही रहता है और पूछता है कब आएगा, क्योंकि 5 महीना से पेंशन इन लोगों को नहीं मिला है, जो कि हर महीना महीना पहले देता था, अभी 5 महीना से नहीं मिला है। तो बहुत लोग आशा है कि पेंशन हम लोग का कट गया क्या, या बहुत सारा पूछता है, जो मन सो आता है बाकी चल जाता है, मतलब पैसा नहीं आएगा आएगा। अच्छा, इन लोग को पेंशन नहीं मिलने से इन लोग को डेली रोजमर्रा जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो हम मुझे लगता है बहुत सारा पड़ता होगा, क्योंकि जैसे कि पेंशन हर महीना मिलता है और अभी नहीं मिल रहा है, 5 महीने से किस लिए गुजर बसर करता है? बहुत तो सारा का अपना बाल बच्चा नहीं है, मतलब खाने पीने उन लोग को कौन देगा, पेंशन में आश्रित रहता है उन लोग। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन लोग का आगे पीछे कोई नहीं? हाँ, रहता है, बहुत सारा है ऐसा। इन लोगों का देखभाल कौन करता है?
मालूम नहीं, लेकिन पेंशन के आश्रय में रहता है। मुझे कुछ जहाँ तक नॉलेज है, मेरा ही गांव में दो चार को ऐसे बंदा है कि उस लोग का देखभाल करने में कोई नहीं है, पेंशन का आश्रित में वो लोग रहता है। और जो कि पेंशन नहीं है, हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि पेंशन जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करें। हर महीना नहीं होगा तो दो महीना, कम से कम 5 महीना बहुत लंबा हो जाता है पेंशनधारी के लिए।